ये वाली वीडियो मैं तब बना रहा हूँ जब मैंने 22,000 अपनी पुरानी वाली R15 चलाई थी वर्जन 3, और ये वाली मैं 5,000 चला चुका हूँ, और KTM मैं अपनी 5,000 चला चुका हूँ। मतलब अप्रॉक्स अगर देखा जाए 35,000 किलोमीटर चलाने के बाद स्पोर्ट्स बाइक को, तो उसमें काफ़ी मतलब मैंने 10,000 अगर देखा जाए, 10,000 तो नहीं, 5,000 तक मैंने देखा जाए तो पिलियन के साथ राइड कर ली, और अपना एक्सपीरियंसेस मतलब बिल्कुल रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। लोग कुछ भी बोल दे पिलियन के साथ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल V3 मोटराट। सो आज का जो वीडियो का टॉपिक रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि R15 वर्जन 3 पिलियन के साथ कंफर्टेबल है या नहीं है। अगर हम सोच रहे हैं कि इसको ऑलराउंडर में यूज़ करें, इस बाइक से सारे काम भी कर ले, घर वालों के साथ कभी कहीं जाना हो तो फैमिली पर्पज से भी काम आ जाए, तो उस सब के जो भी सवाल है ना आपका उसके रिगार्डिंग, उस सब के जवाब देने वाला हूँ मैं क्लियर बिल्कुल ही, क्योंकि इसको चलाते चलाते मेरे को 3 साल हो गए हैं। मतलब ऐसी ही बाइक चला रहा हूँ मैं, KTM RC 390 और R15 वर्जन 3, वो तो इससे ज़्यादा और स्पोर्ट्स बाइक है। मतलब उसकी पिलियन सीट काफ़ी हाइट पे है, तो उसके बारे में बात नहीं करने वाले अपन। फिलहाल R15 वर्जन 3 के बारे में बात करते हैं कि कितनी कंफर्टेबली है या नहीं है। जो मतलब मेरे को प्रॉब्लम्स होती हैं पिलियन के साथ, वो सारी मैं प्रॉब्लम शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, फिर आप लोग खुद कंक्लूजन निकाल सकते हो कितनी कंफर्टेबल है ये। तो गाइस, मैं अपने 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ नेगेटिव अबाउट पिलियन राइडर जो लॉन्ग राइड्स पे होते हैं, मतलब प्रॉब्लम मेरे साथ होती होती है। सबसे पहला आप ये देखो, मेरा इंडिकेटर टूट चुका है, रीज़न बीन, और मैंने कल ही इसमें ना ये 4x4 का स्विच लगाया था, क्योंकि मेरे को सिर्फ 4x4 का ही स्विच ही होता है। कल ही लगाया, कल ही एक अनजान पिलियन को बिठाया। मतलब अगर रेगुलर पिलियन होगा आपका, जो रेगुलर बैठता है आपकी बाइक पे, तो ठीक है, कल ही अनजान को बिठाया, 400 रुपये का ये नुकसान हो गया। तो इसका टूटने का रीज़न ये है कि काफ़ी पिलियंस की हाइट कम होती है, मतलब ज़्यादा हाइट नहीं होती है, और तो प्रॉपर पैर नहीं रख पाते हैं, और ये इंडिकेटर बाहर रहता है। अब इस साइड से तो कोई बैठता नहीं है, तो इस वाला ये वाला इंडिकेटर तो सेफ है, बट ये वाला इंडिकेटर अगर आपने टेल टाइडी कर रखी है तो टूटेगा ही टूटेगा। तो सेकंड रीज़न है ना, जब भी आप लॉन्ग राइड्स करोगे ना पिलियन के साथ, तो हमेशा ये R15 वर्जन 3 BS4 का तो कन्फर्म है ये वाली प्रॉब्लम हो जाएगी, हमेशा टैंक निकल जाता है इसका जैसे ही बैक प्रेशर लगता है ना, क्योंकि पिलियन मोस्टली क्या करता है आपके ऊपर वेट छोड़ देते हैं, तो ये वाला पैनल निकल जाता है हमेशा। काफ़ी बार हो चुका है, अभी निकल नहीं रहा है। सो जो थर्ड रीज़न है वो ये है, अभी रिसेंटली मैंने एक राइड की थी, मतलब 250 किलोमीटर की पिलियन के साथ, तो उस राइड में प्रॉब्लम क्या हुई, एक तो बारिश हो गई उधर, तो बारिश के कारण पहले ही टाइम लेट हो गया। अपन निकले थे 7 बजे सुबह के और आए शाम के 7 बजे तक, और उसके 2 दिन तक ना जो मेरे रिस्ट में पेन रहा था ना, वो मैं ही जानता हूँ, मतलब मेरे से बाइक तक नहीं चल रही थी। तो यस, डेफिनेटली अगर आप पिलियन के साथ लॉन्ग टूर्स प्लान कर रहे हो ना, तो मत ही करना, नहीं कर पाओगे, इतना ज़्यादा थकने वाले हो ना आप, इतना ज़्यादा थक जाओगे जिसको हद नहीं, रिस्ट पेन। और जो फोर्थ रीज़न है वो भी इसी में है, बैक पेन इतना होगा ना। मतलब अगर आप छोटा मोटा ट्रैवल करने की सोचो 10, 20, 30, 40, 50 किलोमीटर तक, तब तक ठीक है। एल्स लॉन्ग राइड्स के लिए R15 वर्जन 3 विद पिलियन बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। इनफैक्ट मैंने जिक्सर के साथ ऐसा किया हुआ है, जिक्सर के साथ मैंने 200 किलोमीटर की राइड की है, बुलेट से करी हुई है पिलियन के साथ। मैं फ़ैन तो नहीं हूँ उनका, बट हाँ उनमें कभी कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं आई, मतलब ऐसा सच कोई पेन नहीं आया, क्योंकि जो पिलियन का वेट होता है ना R15 वर्जन 3 स्पोर्ट्स बाइक्स में, वो मोस्टली राइडर के ऊपर ही आ जाता है। सो लॉन्ग राइड्स पिलियन के साथ यही प्रॉब्लम आती है कि मतलब उसका वेट आएगा ही आएगा, मतलब 30, 40, 50 किलोमीटर तक ठीक है, बट उसके बाद कहीं ना कहीं वो वेट आपके ऊपर रखेगा ही रखेगा, और वो जो वेट आएगा ना वो प्रेशर आता है अपने रिस्ट पे और बैक पे। तो जब आप नॉर्मली इतना राइड करोगे, लॉन्ग टूर्स मारोगे R15 वर्जन 3 से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब आपको अगर आप यूज्ड हो इस बाइक के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने इससे अच्छी खासी राइड्स मारी हुई है, 400 किलोमीटर तक मतलब एक टाइम में करी हुई है मैंने, और अगर देखा जाए एक दिन में मैंने 600-700 किलोमीटर आराम से मैंने किया हुआ है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आई मेरे को। बट विद पिलियन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करता कि लॉन्ग टूर्स के लिए विद पिलियन ये बाइक बनी हुई है। और 5वां पॉइंट जो है मेरा नेगेटिव इसके रिगार्डिंग, वो है कि आप राइड फ्रीली कर ही नहीं सकते। मतलब एक तो क्या है ना, पिलियन आया तो आपको पकड़ के बैठेगा, तब आप कट्स मार सकते हो, जब आप एग्रेसिव राइडिंग कर रहे हो तब पकड़ के बैठेगा तो आप कट मार सकते हो, बट वो कितनी देर तक पकड़ के बैठेगा, कहीं ना कहीं आपको भी एक टाइम के बाद अनकंफर्टेबल हो ही जाएगा। मतलब 10, 20, 30, 50 किलोमीटर के लिए बढ़िया है, ठीक है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाना आइसक्रीम खाने, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बट लॉन्ग ड्राइव पे प्रॉब्लम आएगी ही आएगी ये। अब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, बाकी मेरे को नहीं पता यार आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है। ये वाली वीडियो मैं तब बना रहा हूँ जब मैंने 22,000 अपनी पुरानी वाली R15 चलाई थी वर्जन 3,
और ये वाली मैं 5000 चला चुका हूँ और KTM मैं अपनी 5000 चला चुका हूँ। मतलब अप्रॉक्स अगर देखा जाए 35000 किलोमीटर चलाने के बाद स्पोर्ट्स बाइक को, तो उसमें काफ़ी मतलब मैंने 10000 अगर देखा जाए, 10000 तो नहीं 5000 तक मैंने देखा जाए तो पिलियन के साथ राइड कर ली। और अपना एक्सपीरियंसेस मतलब बिल्कुल रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। लोग कुछ भी बोल दे पिलियन के साथ कंफर्टेबल है, बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप लोगों को खुद के लिए यूज़ करनी है बाइक तो लो। अगर आप सोचो ऑलराउंडर बनाने की सोच रहे हो ना इसको कि टूर्स भी मारोगे पिलियन के साथ मस्त, तो उसके लिए नहीं है ये बाइक। उसके लिए आपको स्पेयर बाइक एक चाहिएगी स्पेयर बाइक या स्कूटी चाहिएगी चाहिएगी। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी कुछ काम कराए अपनी बाइक में तो एक बार वो दिखा देते हैं आप लोगों को कि कैसा लग रहा है, या फिर उसके ऊपर अलग वीडियो बनाए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो भाई लाइक करके जाना, चैनल पर पहली बार आओ तो सब्सक्राइब कर ही देना, क्योंकि अब बढ़िया बढ़िया कंटेंट आने वाले हैं। अब अपना टाइम मिल चुका है अपने को यूट्यूब के लिए, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए राइड सेफ।